गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। इन टुडेज क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 10, द ब्यूटीफुल बर्ड्स। एंड दिस क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इन योर ईवीएस नोटबुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बीक्स ऑफ बर्ड्स। मीन्स बीक मतलब चोच, जो बर्ड्स की चोच रहती है उसकी क्या क्या काम रहती है, क्या फंक्शन करती है उनकी बीक, ये हमें लिखना है। आंसर, बर्ड्स यूज बीक फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। बीक जो रहती है बर्ड्स की उसके ये फंक्शंस होते हैं, टेकिंग इन देयर फूड, मेकिंग देयर फेदर स्मूथ, कलेक्टिंग एंड कैरिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग नेस्ट, गिविंग शेप टू द नेस्ट, होल्डिंग एंड कैरिंग द प्रे, टियरिंग फ्लैश ऑफ द प्रे। टेकिंग इन देयर फूड मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जब अपने फूड को लेके आती है, वो कहीं से जैसे दाना वगैरह लेती है तो उसको उसकी चोच की हेल्प से उठाने में हेल्प कर चोच उनकी हेल्प करती है। उनके मेकिंग द फेदर स्मूथ मीन्स उनके फेदर को स्मूथ बनाने में, कलेक्टिंग एंड कैरिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग नेस्ट। अब वो जब अपना घोंसला बनाती है तो वो इधर उधर से जो मटेरियल लाती है तो उसको इकट्ठा करने में और कैरी करने में उनकी बीक उनकी हेल्प करती है। गिविंग शेप टू द नेस्ट, शेप जब वो नेस्ट बनाती है तो उसको शेप देने में हेल्प करती है, उनके शिकार को पकड़ने में। टियरिंग फ्लैश ऑफ द प्रे, जो बर्ड्स जो रहती हैं वो क्या करती हैं, फ्लैश भी अगर खाती हैं दूसरे, फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस वगैरह खाती है दूसरे एनिमल्स का, तो उसको टियर करने में, चीरने फाड़ने में उनकी बीक उनका हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, मतलब बर्ड्स जो रहती हैं वो अपना नेस्ट घोंसला कब बनाती हैं। आंसर, बर्ड्स मेक नेस्ट इन देयर एग्स एट लेइंग सीजन और द ब्रीडिंग सीजन। बर्ड अपना घोंसला बनाती है जब वो एग्स ले करने वाली हो, मतलब अंडे देने वाली हो, और जो ब्रीडिंग सीजन होता है तब बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मटेरियल्स आर यूज बाय बर्ड टू मेक देयर नेस्ट। बर्ड्स जो रहती हैं कौन सा मटेरियल यूज करती हैं उनका घोंसला बनाने में। बर्ड यूज अ वेराइटी ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर नेस्ट। बर्ड जो रहती है बहुत अलग अलग वेराइटी का मटेरियल यूज करती है उनका बर्ड नेस्ट बनाने में। दीज इंक्लूड ट्विंग्स और स्टिक, डेड लीव एंड ग्रास, स्ट्रिंग्स और थ्रेड्स, ह्यूमन हेयर्स एंड एनिमल फर, फेदर, मॉस एंड लिचन, पाइन नीडल्स, मड, पेपर, कॉटन, ब्रूम, ब्रिसल एक्सेट्रा। ये सब चीजें वो यूज करती हैं अपना क्या करने में, नेस्ट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट। बर्ड्स जो रहती हैं वो किस तरह से देखभाल करती हैं अपने बच्चों की उनके नेस्ट में। आंसर, बर्ड्स वर्क हार्ड टू फीड देयर बेबीज एवरी डे एंड टेक केयर ऑफ देम अंटिल दे बिकम केपेबल ऑफ फ्लाइंग। बर्ड क्या करती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं और उनके बेबीज को फीड करती हैं हर दिन, कब तक, और उनकी अच्छे से देखभाल करती हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते और उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं आ जाती, इतने कैपेबल नहीं हो जाते वो उड़ने के लिए, है ना, तब तक वो उनकी देखभाल करती हैं और तब तक वो अपना घोंसला भी नहीं छोड़ती। ठीक है, नाउ स्टूडेंट आप ये सभी क्वेश्चन आंसर ईवीएस की कॉपी में लिखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरे कृष्णा। इन टुडेज क्लास वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 10, द ब्यूटीफुल बर्ड्स। एंड दिस क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इन योर ईवीएस नोटबुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बीक्स ऑफ बर्ड्स। मीन्स बीक मतलब चोच, जो बर्ड्स की चोच रहती है उसकी क्या क्या काम रहती है, क्या फंक्शन करती है उनकी बीक, ये हमें लिखना है। आंसर, बर्ड्स यूज बीक फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। बीक जो रहती है बर्ड्स की उसके ये फंक्शंस होते हैं, टेकिंग इन देयर फूड, मेकिंग देयर फेदर स्मूथ, कलेक्टिंग एंड कैरिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग नेस्ट, गिविंग शेप टू द नेस्ट, होल्डिंग एंड कैरिंग द प्रे, टियरिंग फ्लैश ऑफ द प्रे।
टेकिंग इन देयर फूड मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जब अपने फूड को लेके आती हैं, वो कहीं से जैसे दाना वगैरह लेती हैं तो उसको उसकी चोच की हेल्प से उठाने में हेल्प कर चोच उनकी हेल्प करती है, उनके मेकिंग द फेदर स्मूथ मीन्स उनके फेदर को स्मूथ बनाने में, कलेक्टिंग एंड केयरिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग नेस्ट। अब वो जब अपना घोंसला बनाती हैं तो वो इधर उधर से जो मटेरियल लाती हैं तो उसको इकट्ठा करने में और कैरी करने में उनकी बीक उनकी हेल्प करती है, गिविंग शेप टू द नेस्ट। शेप जब वो नेस्ट बनाती हैं तो उसको शेप देने में हेल्प करती है, उनके शिकार को पकड़ने में, टियरिंग फ्लैश ऑफ द प्रे, जो बर्ड्स जो रहती हैं वो क्या करती हैं, फ्लैश भी अगर खाती हैं दूसरे, फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस वगैरह खाती है दूसरे एनिमल्स का, तो उसको टियर करने में, चीरने फाड़ने में उनकी बीक उनका हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, मतलब बर्ड्स जो रहती हैं वो अपना नेस्ट घोंसला कब बनाती हैं। आंसर, बर्ड्स मेक नेस्ट इन देयर एग्स एट लेइंग सीजन और द ब्रीडिंग सीजन। बर्ड अपना घोंसला बनाती हैं जब वो एग्स ले करने वाली हो मतलब अंडे देने वाली हो, और जो ब्रीडिंग सीजन होता है तब बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड बाय बर्ड टू मेक देयर नेस्ट, बर्ड्स जो रहती हैं कौन सा मटेरियल यूज करती हैं उनका घोंसला बनाने में। बर्ड यूज अ वेराइटी ऑफ मटेरियल टू बिल्ड देयर नेस्ट, बर्ड जो रहती हैं बहुत अलग अलग वैरायटी का मटेरियल यूज करती हैं उनका बर्ड बनाने नेस्ट बनाने में। दीज इंक्लूड ट्विंग्स और स्टिक, डेड लीव एंड ग्रास, स्ट्रिंग्स और थ्रेड्स, ह्यूमन हेयर्स एंड एनिमल फर, फेदर, मॉस एंड लिचन, पाइन नीडल्स, मड, पेपर, कॉटन, ब्रूम, ब्रिसल एक्सेट्रा। ये सब चीजें वो यूज करती हैं अपना क्या करने में, नेस्ट बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू बर्ड्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस इन द नेस्ट, बर्ड्स जो रहती हैं वो किस तरह से देखभाल करती हैं अपने बच्चों की उनके नेस्ट में। आंसर, बर्ड्स वर्क हार्ड टू फीड देयर बेबीज एवरी डे एंड टेक केयर ऑफ देम अंटिल दे बिकम केपेबल ऑफ फ्लाइंग। बर्ड क्या करती हैं, बहुत हार्ड वर्क करती हैं और उनके बेबीज को फीड करती हैं हर दिन, कब तक, और उनकी अच्छे से देखभाल करती हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते और उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं आ जाती, इतने कैपेबल नहीं हो जाते वो उड़ने के लिए, है ना, तब तक वो उनकी देखभाल करती हैं और तब तक वो अपना घोंसला भी नहीं छोड़ती। ठीक है, नाउ स्टूडेंट आप ये सभी क्वेश्चन आंसर ईवीएस की कॉपी में लिखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।